पच्चीस तीस। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। 25। अरे यार 26। जी हाँ 25 नहीं बल्कि अब 26, यानी पूरा 26th पार्ट आ गया है आपका फेवरेट प्लेलिस्ट मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन का, जहाँ एक पे एक अनोखी और दिमाग में खलबली मचाने वाली मूवीज का लिस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। और ऐसे ही कुछ मूवीज मैं आज भी लेकर आया हूँ जो आपका होश उड़ा देगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस होश उड़ा देने वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Don't angry me. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man. Eternal Sunshine of a Spotless Mind and Being John Malkovich के राइटर चार्ली कॉफमैन का नाम ही काफी है इस लिस्ट का नंबर 10 का मूवी आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स देखने के लिए। चार्ली कॉफमैन का डायरेक्टर ये मूवी एक ऐसा ट्रांस है जहां लिटरली आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। लीड एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप तोड़ना चाहती है और बस एक आखिरी दिन स्पेंड करने जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के बचपन के घर, जो एक सुनसान और वीरान जगह पे है। वहाँ पहुँचने के बाद उसके बॉयफ्रेंड के माँ बाप का बिहेवियर बहुत अजीब रहता है और यहाँ तक कि उसके घर के डॉग का भी बिहेवियर बहुत अजीब रहता है। लीड एक्ट्रेस जब जब कुछ इंटरवल्स बाद उनसे मिलती है तब तब उसके बॉयफ्रेंड का माँ बाप का एज या तो कम हो जाता है या तो बढ़ जाता है। यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड का भी काम बिहेवियर बहुत ही अजीब होने लगता है। सीरियसली गाइज, ये उन मूवीज में से एक है जहां आपको इसका एंडिंग समझने के लिए गूगल या फिर एक्सपर्ट्स का रिव्यू देखना पड़ेगा और एक कंक्लूजन नहीं बल्कि बहुत सारा कंक्लूजन मिलेगा और यही तो होता है मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और इस बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। एंडी सैमबर्ग उर्फ जेक पेरोल्टा और क्रिश्चियन मिलियोटी उर्फ द मदर फ्रॉम हाउ आई मेट योर मदर का 2020 में रिलीज हुआ पाम स्प्रिंग्स एक सरप्राइज पैकेज था। It's one of those infinite time loop situations you might have heard about. टाइम लूप में फंसे हुए ये दो लोग आपको एक ऐसा जर्नी पे ले जाएंगे जहां आपका स्माइल कभी रुकेगा ही नहीं। अब आप बोलेंगे कि यार टाइम लूप पे इतना मूवीज बना है तो इसको क्यों देखूं? ट्रस्ट मी, ये इतना सिंपल टाइम लूप मूवी है कि आपको इस मूवी के सिंपलिसिटी से प्यार हो जाएगा। See you tomorrow. एंडी सैमबर्ग का फ्लॉलेस परफॉर्मेंस इस मूवी का जान है, जहां ये मूवी कब शुरू हुआ और कब खत्म आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाया हूं जहां पे सिर्फ टाइम लूप की मूवीज है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। और फिलहाल इस मूवी को आप अभी जाकर हुलू पे देख सकते हैं। द रेड के सुपरस्टार इको वेस्ट का इसी साल रिलीज हुआ फिस्टफुल ऑफ वेंजेंस एक सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर मूवी है, जहां ये एक रिवेंज मूवी दुनिया को खतरे से बचाने वाली मूवी बन जाती है। ये मूवी बेसिकली टीवी सीरीज वो असैसिन का कंटिन्यूएशन है और जो आपको एक बियॉन्ड इमेजिनेशन दुनिया में ले जाता है, जहां कुछ लोग के पास ऐसा ऐसा पावर्स है कि आप देखते ही रह जाएंगे। मूवी का डायलॉग और सिनेमेटोग्राफी मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस बवाल था जिसको आप बहुत एंजॉय करेंगे। और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी देख सकते हैं। कुछ मूवीज ऐसा होता है जो आपके अंदर के छोटे बच्चे को बाहर निकाल देता है। नंबर 7 पे द गुड डॉक्टर के शॉन मर्फी का 2008 में रिलीज हुआ द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स एक ऐसा मूवी है जो आपका होश उड़ा देगा एक ऐसा मैजिकल दुनिया दिखा के कि आप उसको देखते ही रह जाएंगे। एक ऐसा घर जहां कुछ मैजिक छुपा हुआ है और उस घर में एक ऐसा बुक जो मैजिकल क्रीचर से भरा हुआ है, जो कैरेक्टर्स के साथ साथ आपको भी एक मैजिकल दुनिया में ले जाएगा। निकोलोडियन की तरफ से ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है जो आपके अंदर के बच्चा को जगा देता है और आप फिर से नार्निया वाले एरा में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी मिल जाएगा। नंबर 6 पे एक ऐसा मूवी है जहां मैं लिख के दे सकता हूं कि आप ऐसा रोमांटिक मूवी आज तक देखे ही नहीं होंगे। अगर आप मूवीज और सिनेमा में डिफरेंस जानते हैं तो इस सिनेमैटिक मास्टरपीस को भूल से भी मिस मत कीजिएगा। 2019 में रिलीज हुआ फ्रेंच मूवी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन फायर
आपका दिमाग घुमा देगा अपने इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग प्लॉट से। ये मूवी 1770 के एरा का कहानी है, जहां एक पेंटर को बुलाया जाता है एक ब्राइड टू बी लेडी का पेंटिंग करने, वो भी बिना उसके नॉलेज के। उस पेंटर को बस उस लेडी को ऑब्जर्व करना है और उस लेडी का पेंटिंग बनाना है। और इस पूरा जर्नी में आप इतना घुस जाएंगे, इतना खो जाएंगे कि ये रोमांटिक ड्रामा मूवी जो बहुत लोगों को स्लो लगता है, आपका होश उड़ा चुका होगा। अगर आप सिनेमा के फैन हैं, तो इस सिनेमैटिक मास्टरपीस को आप Amazon Prime पे भूल से भी मिस मत कीजिएगा। नंबर 5 पे है जॉनी डेप स्टार चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, जहां अपना जैक स्पैरो विली वोंका का रोल प्ले कर रहा है और 5 लकी बच्चों को एक कॉन्टेस्ट के थ्रू अपना फेमस कैंडी फैक्ट्री का टूर करवाने का गोल्डन मौका देता है। इस मूवी का बेस्ट पार्ट यह है कि इट्स अ क्लासिक, और चाह करके भी आप इसके फेरी टेल स्टोरी टेलिंग से बोर नहीं हो पाएंगे। ये मूवी चॉकलेटी और स्वीट है, जो थ्रू आउट आपके मुंह में पानी लाता रहेगा, और जॉनी डेप का विली वोंका का परफॉर्मेंस देख के आपका होश उड़ता रहेगा। और इस होश उड़ा देने वाली मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 4 की मूवी को आप देखकर बोलेंगे कि यार इस मूवी को मैं इतना ऊपर रैंक क्यों किया हूं? और अगर आपके मन में ये सवाल आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस मूवी को देखे ही नहीं है। 2013 का साइफाई एक्शन मूवी विल स्मिथ एंड जेडन स्मिथ स्टारर आफ्टर अर्थ एक विजुअल ट्रीट है, जहां स्टोरी इतना ग्रिपिंग एंड इंटरेस्टिंग है कि मेरा नरेशन सुन करके ही आप इस मूवी को अब भी देखने बैठ जाइएगा। ये मूवी एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक एरा का कहानी है, जहां अर्थ पे एलियन इन्वेजन हो जाता है और अर्थ के लोगों को अर्थ छोड़कर एक दूसरे प्लैनेट नोवा प्राइम में शिफ्ट करना पड़ जाता है। लेकिन एक दिन विल स्मिथ और जेडन स्मिथ का एयरक्राफ्ट अर्थ पे क्रैश कर जाता है, और अब इन दोनों को अर्थ पे उन एलियन से सरवाइव करना होगा, जहां एलियंस का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है ह्यूमंस को मारना। सीरियसली गाइस, मूवी में कुछ कुछ सीन्स इतना इंटेंस है कि आप अपना नाखून चबाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बात जब सर्वाइवल पे आती है तो मामला बहुत इंटेंस हो जाता है। विजुअल्स इतना जबरदस्त है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, इसलिए भूल से भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, जिसको आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं। कुछ मूवीज ऐसा होता है जिसको जितना बार देखो वो और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। इस लिस्ट पे नंबर 3 की मूवी 2016 की हेल और हाई वाटर एक ऐसा ही मूवी है, जिसको जितना बार देखिए वो और भी बवाल लगने लगेगा। क्रिस पाइन और बेन फॉस्टर स्टारर इस क्राइम थ्रिलर के बारे में आप शायद सुने भी नहीं होंगे, लेकिन अब इसको भूल से भी मिस मत कीजिएगा। अपने फैमिली रैंच को बचाने के लिए दो भाई मिलकर बैंक्स लूटना चालू करते हैं, और उसके पीछे लग जाता है एक ऑलमोस्ट रिटायर्ड टेक्सस रेंजर। मूवी एक जबरदस्त वेस्टर्न थीम ड्रामा मूवी है, जहां कुछ कुछ इंटेंस सिचुएशंस आपको एज ऑफ द सीट पे ले आएगा। क्रिस पाइन और बेन फॉस्टर का परफॉर्मेंस इस मूवी का जान है, और सिनेमेटोग्राफी मूवी का शान। बैकग्राउंड स्कोर तो आपको स्टार्ट से ही अनकंफर्टेबल कर देगा, और मूवी खत्म होते होते आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा। और इस इंटेंस मूवी को आप Amazon पे देख सकते हैं। नंबर 2 पे है वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव मूवीज टू बी एवर मेड, और वो है 1997 का LA Confidential। मूवी में 3 डिटेक्टिव्स हैं जो एक कॉम्प्लिकेटेड होमिसाइड केस पे काम कर रहे हैं, और साथ साथ ये तीनों अपने तरीके से ही काम करते हैं, जो इनके कैरेक्टर को और निखारता है। एक बाय द बुक काम करता है, दूसरा वो सब कुछ ट्राई करता है जिससे सामने वाला अपना मुंह खोल दे, और तीसरा ये चाहता है कि पब्लिक का कभी भी LAPD से भरोसा नहीं उठे। ये मूवी 50s के एरा पे बेस्ड है, जब लॉस एंजलिस का क्राइम रेट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था, और मूवी का असली सस्पेंस ऐसा है जो आपको आखिरी मिनट तक बांध के रखता है। और इस मूवी को भी आप Amazon Prime पे देख सकते हैं, और मुझे इसी चैनल पे देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। नेटफ्लिक्स और Amazon की तरह कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, इसलिए उस लाल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही कंटेंट, लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और डिस्कशंस रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं। नंबर 1 पे है इसी साल रिलीज हुआ साईफाई एक्शन मूवी प्रे, जो करंटली बवाल मचाया हुआ है। स्टोरी रिवॉल्व करता है एम्बर माइंड हंटर के अराउंड, जो अपने लोगों को बचाने में लगी हुई है एक हाईली स्किल्ड और इवॉल्व्ड एलियन से, जो ह्यूमंस को मारना एक खेल समझते हैं। और एम्बर के इसी जर्नी में आपको ऐसा सीन्स देखने को मिलेगा जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आई सीरियसली फील कि इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के लिए ऑस्कर नॉमिनेशंस मिलना चाहिए, ये टोटली डिजर्व करता है। और एम्बर माइंड हंटर का परफॉर्मेंस इस मूवी में भाई आपका होश उड़ा देगा। मूवी का एक्शन सीक्वेंसेस भी बवाल है, स्पेशली सेकेंड हाफ में, जिसको देखकर आप खुद जोश में आ जाएंगे। ये ऐसा मूवी है जहां आपको एक ही फिल्म में अलग अलग तरह का जॉनर मिलेगा,
क्योंकि ये साइफाई एक्शन मूवी भी है, एक सर्वाइवल मूवी भी है, और यहाँ तक कि एक बहुत हद तक एक हॉरर थ्रिलर भी। जब इतना जॉनर एक ही मूवी में मिल जाए तो उसको कैसे मिस कर सकते हैं आप। इसलिए इसको भूल से भी मिस मत कीजिए और अभी जाकर हुलू पे देखिए, ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा। एंड आई होप आपको ये लिस्ट देख करके भी उतना ही मजा आया, क्योंकि ये था 26th पार्ट मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की प्लेलिस्ट का। और हर बार की तरह ये पूरा लिस्ट आपको मेरे इंस्टा पेज पे मिल जाएगा, इसलिए वहां पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके अपना फेवरेट मूवी इस लिस्ट में से जरूर बताइएगा। और जाते जाते प्लीज उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर पे या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।